गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मेरा नाम दीपक है और हम फिजिक्स का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 4। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन, तो आज हमारा ये नेक्स्ट हेडिंग है। तो आज हमें ये सीखना है कि धारामापी को हम वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझने के लिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये वोल्टमीटर क्या होता है और ये धारामापी क्या होता है। हमने आपको बताया था धारामापी क्या होता है। धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है जो धारा को मापता है, ठीक है, विद्युत धारा को मापता है। और वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो एक विभव को मापता है, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा, वोल्टमीटर विभव को मापता है और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, इसीलिए हम इसे वोल्टमीटर कहते हैं, ओके। तो अब हमें समझना है कि धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन कैसे करें। लेकिन अगर हम समझना चाहें तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जो वोल्टमीटर होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का धारामापी ही होता है। वोल्टमीटर जो होता है वो एक प्रकार का धारामापी ही होता है जिसे हम विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे कि हमने ये डायग्राम बना रखा है, हमने माना कि हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में ये लगा हुआ है हमारे पास धारामापी। धारामापी के श्रेणी क्रम में जब हम एक विद्युत प्रतिरोध तार जोड़ देते हैं तब जो हमारे पास सिस्टम बनता है, जो यंत्र बनता है, इसी यंत्र को हम इसी यंत्र को कह देते हैं ये एक वोल्टमीटर बन चुका है। अगर ये तार श्रेणी क्रम में ना लगा करके हम समांतर क्रम में यहाँ पे जोड़ देते तो ये क्या बन जाता था? तो ये अमीटर बनता था। आज हमने इस तार को समांतर क्रम में ना जोड़ करके श्रेणी क्रम में जोड़ा है इसके, तब इसे हम क्या कहेंगे? वोल्टमीटर कहेंगे। अब इसके लिए हमने माना कि हमारे पास धारा हमने आई दी। अब भाई जब आई दी है तो इस वाले बिंदु पर देखो ये धारा दो भागों में टूटेगी, कुछ धारा इधर जाएगी कुछ धारा नीचे जाएगी। तो कुछ धारा जो नीचे गई है, जो जी अर्थात जो गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, इसमें जो भी धारा जाएगी उसे हमने किससे दिखाया है? आईजी से दिखाया है। अब आईजी इधर जाएगी लेकिन कुछ आईजी इधर आएगी। अब ये धारा बराबर तो नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं दोनों समांतर क्रम में है तार। जब समांतर क्रम है तो दोनों में धारा का मान अलग अलग होगा, तो यहाँ पर धारा अलग, यहाँ पर धारा अलग, लेकिन इन दोनों में धारा जो होगी वो समान होगी। तो आईजी यहाँ पर भी, आईजी यहाँ पर भी। इसका प्रतिरोध कितना है? जी है। इसका प्रतिरोध कितना है? आर है। तो हमने क्या काम किया है, आईजी धारा इधर गई फिर आकर के मिली, और आफ्टर दैट इस बिंदु पर मिलने के बाद वो धारा कितनी प्राप्त हुई? में आई प्राप्त हो गई। अगर हम बेसिकली कहना चाहें तो ये हमारे पास जो सर्किट बनाया हुआ है ये एक धारामापी का वोल्टमीटर में कन्वर्जन है। धारामापी कैसे वोल्टमीटर में बदलता है उस चीज़ के लिए है, ठीक। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, आपको कर लेना होगा। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा। हम इसमें कहेंगे कि इसमें हमने धारामापी का प्रतिरोध क्या माना है? धारामापी का प्रतिरोध माना है जी, और हमने बाह्य प्रतिरोध कितना लगाया है? बाह्य प्रतिरोध क्या है? आर। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? टोटल प्रतिरोध हो गया जी प्लस आर। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं पर विभव निकालना चाहूं तो ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, तो B बराबर, लेकिन इसमें धारा क्या आ जा रही है? आई जी, तो हमने आई जी लगा दिया। आर, आर बोले तो कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध ये है, तो आ जाएगा हमारे पास जी प्लस आर। इस प्रकार ये हमारे पास विभव का सूत्र निकला, लेकिन हमें विभव नहीं निकालना था, हमें निकालना था ये प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध निकालना है, तो कुल प्रतिरोध के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? V बराबर आई जी, इसकी गुणा कर दो अंदर से, प्लस आई जी इंटू आर। अब हमने क्या काम किया है, इसको इधर पे पहुंचाओ, आई जी इंटू आर, ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचा आई जी बटे आर। आई जी को नीचे भाग कर दो तो आर बराबर बचा बी माइनस आई जी जी बटे आई जी। अब कुछ नहीं करना है, बी बटे आई जी, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है, माइनस जी। तो ये हमारे पास सूत्र बना है, ये प्रतिरोध तार जो हमने अलग लगाया था उसका प्रतिरोध तार का सूत्र है। तो इस डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन। तो जो मैंने अभी बोला है डेफिनेशन, वो आराम से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, पुश कर करके। थैंक यू सो मच।